अखिलेश जी का काम ही ये है। अखिलेश जी हमेशा आज़म से बहुत प्यार करते हैं और अखिलेश जी समझते हैं कि आज़म ही सब कुछ है, उसके अलावा आज़म के अलावा कोई दिखता भी नहीं है। आज अखिलेश जी को मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज उन्होंने जो काम किया है, सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने रामपुर की तरफ भगा के, तो उन्होंने ये कहा कि रामपुर को घेरो और प्रशासन को मजबूर कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, अखिलेश कौन है? एक एमपी है, एक पार्टी का एक अध्यक्ष है, तो उससे काम चलेगा क्या? लेकिन आज रामपुर में क्या करना चाहता है? लोगों को, कार्यकर्ताओं को भड़का के रामपुर में दंगा करवाना चाहते हैं क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं प्रशासन अपना काम कर रहा है। रामपुर में जो काम हो रहा है, रामपुर में प्रशासन से अखिलेश का क्या ताल्लुक है? क्यों अखिलेश दखलंदाज कर रहा है? अखिलेश हमेशा जो इंसान, अखिलेश राजनीति में अपनी कुर्सी को संभालना चाहता है, अपनी कुर्सी को हड़पना चाहता है। बात यह है कि जब चुनाव के समय पर महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे, आज़म खान महिलाओं के ऊपर अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तो उस समय पर क्या किया? अखिलेश आज़म को समर्थन किया था ना पार्लियामेंट में, रमा देवी जी को कुर्सी पर बैठने भर, वहाँ पे बैठी हुई महिला पर उन्होंने स्पीकर के ऊपर इस तरह का अभद्र शब्द इस्तेमाल करने के बाद तो पूरे सदन एक होकर उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोला था, तो वो मजबूर होके किया था। तब क्या किया था अखिलेश ने? अखिलेश ने उस समय पे भी आज़म को ही उन्होंने समर्थन दिया था। आज क्या कर रहा है? आज क्या कर रहा है? आज रामपुर में दंगा होने के लिए पूरे देश का, जितने जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता कुछ लोग आए हैं, प्रजा तो नहीं आया ना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अखिलेश, आप अपने जो काबू में रहिए और लोगों के जो इर्द गिर्द जितने जो क्षेत्र है उसमें आप दखलंदाज मत करो। आज़म जो गुनाह किया है उस गुनाह के लिए सज़ा पाना ज़रूरी है, इसलिए कि वो भूमाफिया है और शिक्षा माफिया भी है।